सतगुरु के साजी निवाज जी, प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जय। सतगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचार है युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जिस सादगी को अपनाने का आदेश उपदेश दिया था, वह जीवन में हर पल अपनाना जरूरी है। इस समय तो ऐसा चलन देखने में आ रहा है कि फैशन परस्ती ने सादगी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। वस्त्र विशेषकर बहनों में इस प्रकार के प्रचलित हैं जो कि वातावरण की पवित्रता में बाधा डालते हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास एक बार एक बच्ची आई जिसकी इस बारे में अनेकों जिज्ञासाएं थी। बाबा जी ने उसे समझाया कि मौके के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। सत्संग का अपना माहौल होता है, यहाँ सब आत्मिक खुराक लेने आते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बच्ची को समझाया कि जब किसी मैरिज वगैरह में जाते हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो। वो बच्ची कहने लगी कि वहाँ पर थोड़ा अच्छे कपड़े, तड़क भड़क वाले, चमक वाले कपड़े पहनते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अगर किसी के दुख में तुम्हारे पेरेंट्स जाते हैं तो वहाँ कैसे कपड़े पहन कर जाते हैं। तो उस बच्ची ने कहा कि वहाँ पर सिंपल से कपड़े पहन कर जाते हैं, चमक दमक वाले कपड़े नहीं पहनते। तो बाबा जी ने कहा कि जब सत्संग में आते हैं तो कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कपड़े सादे पहनने चाहिए, सिंपल कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर सत्संग में दिखावा नहीं करना है, सत्संग में हमने आत्मिक खुराक लेने आना है और आत्मिक खुराक लेने हम आते हैं तो हमने यहाँ पर सादगी का ध्यान रखते हुए कपड़े भी हमने सिंपल पहनने हैं। बाबा जी के इस आदेश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे तीसरे प्रण, खाने पीने, रहन सहन के आधार पर किसी से नफरत या किसी के आलोचना नहीं करना में कोई परिवर्तन करे, बल्कि इस प्रण का पालन करने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए बाबा जी ने अलर्ट किया है। संतों महापुरुषों को चाहिए कि वे वेशभूषा में भी सादगी बरतें ताकि सत्य के प्रचार प्रसार में कोई भी रुकावट ना पड़े। फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि दास यही महसूस कर रहा है कि यह युग अर्थ प्रधान है, माया का बहुत फैलाव है। इस आधार पर धन का खर्च भी पूरी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। साध संगत की माया निर्माण के लिए होती है, मिशन मिशन के प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को गति देने के लिए होती है। उसका उपयोग निजी रुचियों को पूरा करने में ही सीमित कर देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो भी एक एक पैसा है गुरमुखों महापुरुषों का है, यह किसी निर्माण कार्य में ही लगना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि पैसा इकट्ठा करके भोजन आदि पर खर्च कर दिया जाता है, यह परंपरा कोई अच्छे संकेत नहीं देती। सामूहिक भोजन में मांसाहारी भोजन बहुत पहले बंद किया जा चुका है, इसलिए इस आदेश को भूलना नहीं चाहिए और लंगर में बिल्कुल सादगी रखनी चाहिए। माया का प्रयोग संत निरंकारी मिशन के कार्यक्रमों वह निर्माण कार्यों के लिए होना चाहिए। देखा यह भी जा रहा है कि पद प्रतिष्ठा का आकर्षण हमारी भक्ति को उसी प्रकार खत्म करता जा रहा है जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है और कपड़े को चूहा खा जाता है। इस संबंध में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का यह आदेश ध्यान रखने की जरूरत है। कई महापुरुष ऐसे मान और बड़ाई में आ जाते हैं और वे समझ लेते हैं कि शायद यह जैसे कोई सरकारी पदवी मिल गई है,
यह कोई ऐसी पदवी नहीं है, यह कोई ऐसी पदवी नहीं है, ये रूहानी बातें हैं और रूहानियत से ही संबंध रखती हैं। जहाँ तक गुरुमुख का संबंध है, हम एक जैसे हैं, हमारा कोई दर्जा ऊपर नीचे नहीं है, हम सभी बराबर हैं, हम सभी को एक जैसा ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। ये जो जोनल इंचार्ज हैं, ये प्रमुख हैं या मुखी हैं, इसका कोई यह भाव नहीं है कि वो समझे कि मैं कोई श्रेष्ठ बन गया हूँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि हमने इन महान बलिदानों की कदर भी करनी है, हमने इन असूलों, आदेशों, उपदेशों को अपने व्यवहार का अंग भी बनाना है, तभी हम इन जो हमारे गुरु पीर पैगंबर जा चुके हैं, जो हमें इतना समझा कर गए हैं, हमने इनकी शिक्षाओं पर कर्म रूप में हमने जीवन में धारण करना है। सत्संगत जी, इस तरह हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सादगी पर भी समझाया, और जो हमारी ये मिशन में जो ये सेवा माया इकट्ठी होती है, इसको भी हमने सोच समझ कर खर्च करना है। जहाँ खर्च करना है, वहाँ भी हमने मंडल की तरफ से पहले आदेश जो भी आते हैं, हमने उनको मानना है। जो भी ये सेवा पाया इकट्ठी होती है, सभी ये मंडल में भेजनी है, और फिर जो मंडल कहेगा, हमारे निरंकारी मिशन की तरफ से जो सतगुरु माता जी की तरफ से आदेश आएंगे, फिर उसको जिस तरह भी ये माया के लिए कहें, उसको निर्माण कार्य में, भवनों में प्रयोग करना है। इन बातों पर हमने अमल करना है, सादगी को भी अपनाना है, और अपना खान पान जो है वो भी हमने शाकाहारी ही रखना है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें ब्रह्म ज्ञान देते समय हमें पांच प्रण दिए, और मौखिक रूप से हमने समर्पण कर दिया, और सतगुरु ने हम पर विश्वास कर लिया। हमने इन पांच प्रणों पर चलते हुए अपने ये जो ज्ञान है, इसको मजबूत करना है। जिस तरह भी हमें सतगुरु ने यह समझाया है, हमने इन बातों को मानते चले जाना है। जीवन में जब सब कुछ एक साथ और जल्दी जल्दी करने की इच्छा होती है, सब कुछ तेजी से पा लेने की इच्छा होती है, और हमें लगने लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, उस समय यह जो हमें कहानी सुनने को मिलती है, कांच की बरनी और 2 कप चाय, यह हमें याद आती है। कहते हैं कि एक प्रोफेसर कक्षा में आए और उन्होंने छात्रों से कहा कि आज जीवन का एक इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने साथ लाई एक कांच की बड़ी बरनी टेबल पर रखी, और उसमें टेबल टेनिस की गेंदें, बॉल्स डालने लगे, और तब तक वो बॉल्स डालते रहे जब तक कि वह बरनी पूरी तरह से भर नहीं गई। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, स्टूडेंट्स से पूछा, टीचर ने, प्रोफेसर ने, कि क्या बरनी पूरी भर गई है? सभी स्टूडेंट्स ने कहा, हाँ जी, भर गई है। फिर प्रोफेसर साहब ने छोटे छोटे कंकर उस बरनी में भरने शुरू किए, धीरे धीरे बरनी को हिलाया तो काफ़ी सारे कंकर उसमें जहाँ जगह खाली थी समा गए। फिर से प्रोफेसर साहब ने स्टूडेंट्स से पूछा कि क्या बरनी भर गई है? स्टूडेंट्स ने एक बार फिर कहा, हाँ जी, बरनी भर गई है। अब प्रोफेसर साहब ने रेत की थैली से धीरे धीरे उस बरनी में रेत डालनी शुरू कर दी। वह रेत भी उस जार में, उस बरनी में जहाँ संभव थी बैठ गई। अब स्टूडेंट्स अपनी नादानी पर हंसे। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्यों, अब तो यह बरनी पूरी तरह भर गई है ना? तो सभी स्टूडेंट्स ने एक ही आवाज़ में कहा, हाँ जी, अब तो पूरी तरह से भर गई है। प्रोफेसर ने टेबल के नीचे से चाय के 2 कप निकाल कर उसमें चाय उस जार में डाल दी, उस बरनी में चाय डाल दी। चाय भी रेत के बीच स्थित थोड़ी सी जगह में सोख ली गई। प्रोफेसर साहब ने गंभीर आवाज में समझाना शुरू किया, इस कांच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझो, टेबल टेनिस की जो बॉल्स हैं
सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात भगवान, परिवार, बच्चे, मित्र, स्वास्थ्य है। छोटे कंकर, ये इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जॉब, गाड़ी, बड़ा मकान है। और जो रेत है, इसका मतलब है कि जो छोटी छोटी बेकार की बातें हैं, मनमुटाव हैं, झगड़े हैं, इनको बिल्कुल, ये जो रेत का मतलब है, ये छोटी छोटी बेकार सी बातें, मनमुटाव, झगड़े हैं। अब यदि तुमने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी होती तो टेबल टेनिस की बॉल्स और कंकरों के लिए जगह ही नहीं बचती, या कंकर पहले भर दिए होते तो फिर बॉल्स नहीं भर पाते, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। यदि हम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहेंगे, उन्हें प्राथमिकता देते रहेंगे, अपनी ऊर्जा उसमें नष्ट करते रहेंगे, तो हमारे पास मुख्य बातों के लिए, मेन्स बातों के लिए अधिक समय नहीं रहेगा। मन के सुख के लिए क्या जरूरी है, यह हमने तय करना है। टेबल टेनिस बॉल्स की फिक्र पहले करनी, वही महत्वपूर्ण है। पहले हमने तय करना है कि क्या जरूरी है, बाकी सब तो रेत है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से प्रोफेसर की यह बात सुन रहे थे। अचानक एक स्टूडेंट ने पूछा, सर, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि चाय के 2 कप क्या हैं। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक यह क्वेश्चन किसी ने क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यह था कि जीवन में हमें कितना ही परिपूर्ण और संतुष्ट लगे, लेकिन अपने खास मित्रों के साथ हमने हमेशा प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने कैसी भी परिस्थिति हो, हमने हर परिस्थिति में खुश रहना है, और हमने जो हमारा महत्वपूर्ण काम है, सेवा, सिमरन, सत्संग, इसकी तरफ भी हमने ध्यान देना है। सबसे पहले हमने इसकी तरफ ध्यान देना है। और कहते हैं कि जो हमारे जो ये संसारिक काम होते हैं और जो हमारा सत्संग होता है, इसमें हमने बैलेंस बना कर रखना है। हमने सत्संग भी करना है और जो हमारे व्यवहारिक, हमारे संसारिक काम है, हमारी जैसे जॉब है या हमारा बिजनेस है, कुछ भी है, हमने उसकी तरफ भी ध्यान देना है। क्योंकि चौथे प्रण में भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, साधु संत फीर फकीर नहीं बनना, किसी से मांग कर नहीं खाना, अपनी 10 और 9 की किर्त कमाई करके हमने अपने परिवार का और अपना गुजारा करना है। इस तरह सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने सबसे पहले, हमने जिस तरह टेबल टेनिस की बॉल्स की बात हुई है, हमने महत्वपूर्ण पहले काम करने हैं। जब हम महत्वपूर्ण काम करेंगे तो फिर ये छोटे मोटे काम तो अपने आप फिर होते चले जाएंगे। और हमने सभी के साथ प्यार से, मिलवर्तन की भावना से रहना है। आज सतगुरु हमें यही, सतगुरु तो हर पल हर युग में जो भी सतगुरु आए, सबने प्यार पर ही जोर दिया, प्यार ही प्यार करना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार हमें यही टॉपिक देकर समझा रहे हैं कि प्रेमा भक्ति, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहते हैं कि जिसने भी प्यार किया उसी ने ही प्रभु को पाया। इसलिए हमने सतगुरु की इस बात को मानते हुए सभी के साथ प्यार करना है। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो प्रेम प्लस भक्ति, हम प्रेमा भक्ति करें। प्रेमा भक्ति सबसे उत्तम है। कहते हैं कि जो ये प्रेमा भक्ति होती है, इसमें कोई लेन देन का ये व्यापार नहीं होता कि दे दिया और ले लिया, नहीं। इसमें तो ऐसा अनोखा प्यार होता है कि प्यार ही प्यार होता है। इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम निस्वार्थ, निष्काम, निरक्षित भाव से हम सभी के साथ प्यार करते चले जाएं और सतगुरु को खुश कर पाए। और जी कहते हैं कि जिसके ऊपर ये सतगुरु खुश हो जाता है, उसे फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तेरा आसरा लेके करता हूँ काम, मेरे सतगुरु तुझको
लाखों सलाम। तू साकार भी है, तू निराकार भी है, तू है गुरु वचन भी और अवतार भी। किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। शरण में जो आए तू लेता है थाम, नहीं पूछता जात पात और मुकाम। शरण में तेरी मैं हूँ आया हुआ, हूँ अवतार तेरा बनाया हुआ। इस तरह शहनशाह जी ने शब्द द्वारा हमें समझा दिया है कि जो इस निरंकार का सहारा ले लेता है, फिर उसको ये अपने चरणों में जगह दे देता है, उसके सारे कार्य रास होते चले जाते हैं। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अपने चरणों से अंतिम श्वास तक लगाए रखना और सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। आप जी की छत्र छाया में सभी रहकर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मानते चले जाएं। कहते हैं बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। सारे सुख दुनिया दे पा दो साडी झोली विच, फिर भी भुलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।